नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बोले गिरिराज सिंह, बिहार के सभी पंचायतों का बनेगा मास्टर प्लान, गांव के विकास में आएगी तेजी। केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार अब शहर के साथ साथ गांवों के विकास पर भी जोर दे रही है। राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार देश की सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाएगी। पंचायतों का मास्टर प्लान बन जाने से गाँव में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में पंचायतों को शक्तिशाली और जीवंत संस्था बनाने के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य तय किया है। विजन 2047 के साथ हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का हमारा इरादा है। केंद्रीय मंत्री रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस से मुखातिब थे। केंद्र सरकार के बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा विकास की लाइफलाइन है। उन्हें राज्य सरकारों से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आग्रह किया है। कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ एक महिला, एक युवा और बुजुर्ग को जरूर शामिल किया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दुर्दशा पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। बिहार विद्यापीठ को दिया ये निर्देश। पटना हाईकोर्ट भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दुर्दशा के मामले में दायर जनहित पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। विकास कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए बिहार विद्यापीठ के संबंध में दायर हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया है। कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ को निर्देश दिया है कि बिहार विद्यापीठ में हुए अतिक्रमण का विस्तृत ब्यौरा पेश करे। इसमें अतिक्रमणकारियों के नाम, इस संबंध में विभिन्न अदालतों में सुनवाई के लिए लंबित मामलों और उनके नाम जो इन भूमि पर अपना दावा करते हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने बिहार विद्यापीठ से जुड़े विवादित भूमि की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ के तमाम जमीन के स्वत्व संबंधित कागजात पटना डीएम कार्यालय को हस्तगत करने का निर्देश विद्यापीठ के प्रबंध समिति को दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना के बांसघाट स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल और बिहार विद्यापीठ के हालात का जायजा लेने के लिए याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास कुमार को पटना के जिलाधिकारी के साथ भेजा था। बिहार में पुलिसिंग को लेकर बड़ा बदलाव, अब दूसरी इकाइयों का भी रेंज में होगा ऑफिस। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कई इकाइयों का विस्तार करने का फैसला लिया है, जिसके तहत स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के बाद दूसरी इकाइयों के दफ्तर भी फील्ड में खोले जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग ने संयुक्त भवन के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में भवन कैसा होगा इसकी डिजाइन भी तय कर ली गई है। इस भवन को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया जाएगा, जिससे इकाइयों के दफ्तर के लिए जगह की कमी बीच में न आए। फील्ड में कार्य करने वाले पुलिस इकाइयों के लिए रेंज स्तर पर संयुक्त भवन के निर्माण पर गृह विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है और अब जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाला है। भवन का निर्माण रेंज वाले जिला मुख्यालय में होगा। आ गई सिंगल डोज वाली वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को मिली डीसीजीआई की अनुमति। कोरोना से लड़ने के लिए स्पुतनिक लाइट की एक डोज ही काफी है। देश को एक और नौवा नया हथियार मिल गया है। रूस की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर दी है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल की अनुमति के साथ ही देश में अब कोरोना की कुल 9 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को इससे और मजबूती मिलेगी। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही सिंगल डोज वाली वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की थी। रूस में बने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का इस्तेमाल अब किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति को इस वैक्सीन का एक डोज लगाए जाने के बाद दूसरे डोज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संविदा कर्मियों को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब सर्विस बुक बनेगी। बिहार में 4.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने अब संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की पूरी जानकारी रखने का फैसला किया है। इन संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनाने का फैसला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसका प्रारूप जारी कर दिया है। साथ ही सभी विभागों को भी इसे भेज दिया गया है। सेविका पुस्तिका में संविदा कर्मियों की तमाम जानकारी होगी, जिसमें नाम पते के साथ नियोजन की तारीख
से लेकर छुट्टी तक की जानकारी दर्ज रहेगी। सभी स्तर के संविदा कर्मियों का सर्विस बुक रहेगा। हर 5 साल पर इसे अपडेट किया जाएगा। संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका फैसले को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि सरकार आने वाले वक्त में संविदा कर्मियों को अन्य तरह के लाभ भी दे सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के प्रमुख, DGP, प्रमंडलीय आयुक्त और DM को इससे संबंधित आदेश भी जारी किया गया है। इसे कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सितंबर 2018 और जनवरी 2021 को लेकर नियोजित कर्मचारियों से संबंधित नियोजन की प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किया गया था। इस बात पर ध्यान रखते हुए संविदा पर बहाल होने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका बनाई जाएगी। बिहार में कोरोना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए गए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में कोरोना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थितियों की आज समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब कोविड अनुकूल व्यवहार व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के सभी गतिविधियों सामान्य रूप से संचालित होंगी। जिला पदाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत किया गया है। लोगों से अनुरोध है कि सावधानी बरतें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। कई मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी। हिजाब विवाद पर कहा, देश का माहौल खराब कर रही है BJP। आज से शुरू हुए राजद सदस्यता अभियान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के सदन में सबसे बड़ी पार्टी है, अब सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी भी बन जाएगी। तमाम कार्यकर्ताओं को जिले में मजबूती से सदस्य बनाए जाएंगे। जो राजद को वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, उसे भी सदस्य बनाया जाएगा। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार किस कदर फेल है, उसे नीति आयोग ने बता दिया है। NDA के दोनों दल JDU और BJP आपस में उलझे हुए हैं। यह डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार सरकार का चेहरा है और पूरी तरह फेल है। नीतीश कुमार बताया कि 19 लाख रोजगार देने के लिए नीतीश जी के पास क्या ब्लूप्रिंट है। नल का जल योजना सिर्फ भ्रष्टाचार की योजना है। जातीय जनगणना पर भी नीतीश कुमार को घेरते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि सभी पार्टी को बुलाकर बैठक कर फैसला लिया जाएगा, पर आज तक बैठक नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा कि जब मैं कुंवारा था तब बात हुई थी, अब हमारी शादी हो गई है पर बैठक नहीं हुई है। केंद्र गणना नहीं करती तो राज्य सरकार खुद करेगी, तो फिर आज तक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं हुई। बिहार में बच्चों को गोद लेना अब होगा आसान। बदल गए हैं नियम, सिर्फ करना होगा ये काम। बिहार में अब बच्चों को गोद लेना आसान हो गया है। माता पिता को अब कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। न्यायालय की प्रक्रिया और इंतजार से छुटकारा मिल गया है। बता दें कि किशोर न्याय अधिनियम 2021 में कोर्ट के बदले अब DM को बच्चों को गोद देने का अधिकार दे दिया गया है। जानकारी है को कोरोना काल में कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने पर कई बच्चों को गोद नहीं दिया जा सकता था। बता दें कि साल 2019 तक 250 से अधिक बच्चों को गोद दिया गया था। कोरोना काल में बच्चों को गोद देने की संख्या में 100 तक सिमट कर रह गई थी। इससे विशेष दत्तक ग्रहण संस्थानों में अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को नियम बनाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। बता दें, लोकसभा और राज्यसभा से किशोर न्याय अधिनियम संशोधन 202 संस्थानों में 220 बच्चे अभी भी रह रहे हैं। वहीं दत्तक ग्रहण संस्थानों में 0 से 6 साल के बच्चे रखे जाते हैं। बिहार में पुलिसिंग को लेकर बड़ा बदलाव। अब दूसरी इकाइयों का भी रेंज में होगा ऑफिस। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कई इकाइयों का विस्तार करने का फैसला लिया है, जिसके तहत स्पेशल ब्रांच और CID के बाद दूसरी इकाइयों के दफ्तर भी फील्ड में खोले जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग ने संयुक्त भवन के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में भवन कैसा होगा, इसकी डिजाइन भी तय कर ली गई है। इस भवन को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया जाएगा, जिससे इकाइयों के दफ्तर के लिए जगह की कमी बीच में न आए। फील्ड में कार्य करने वाले पुलिस इकाइयों के लिए रेंज स्तर पर संयुक्त भवन के निर्माण पर गृह विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है और अब जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाला है। भवन का निर्माण रेंज वाले जिला मुख्यालय में होगा।
अमीन अभ्यर्थियों की आवाज सदन में उठाएंगे तेज प्रताप। तेजस्वी यादव ने भी सुनी उनकी बात। भूमि एवं राजस्व विभाग में अमीन लिपिक भर्ती में वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी आज पटना पहुंचे थे। यहां उन्होंने भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के आवास का घेराव कर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद अभ्यर्थी वहां से निराश होकर राबड़ी आवास पहुंचे। यहां राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी आवाज सदन में उठाएंगे। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि सर्वेक्षण कार्य में 2200 खाली पदों को अगले माह में भरने के आश्वासन के बाद भी अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। लिहाजा आज अमीन के अभ्यर्थी छात्रों के द्वारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।